अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मेरे भाई का नाम मोहम्मद फेरोज़ है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते मेरे भाई। उनके ऊपर आज अटैक हुआ, अब वो ये दातू नगर में मेरे बहन का घर है, वहाँ पर एक बच्चा इब्राहिम नाम बोल के बच्चा है, वो बच्चा आके फ़ोन चोरी कर लेके गया घर पे से। तो हमारे भाई पूछने के वास्ते गए भांजे को ले लेके, गए तो बहन और हमारे भाई मोहम्मद फेरोज़ और हमारी बहन गए बात करने के वास्ते उससे। तो उन्हें क्या करा, अटैक कर दिया और लेके जाता हूँ, क्या करते कर लो, कंप्लेंट देते तो कंप्लेंट दे लो, जो करते कर लो बोल के बोल रहा। किस चीज़ से अटैक करे उन्होंने? चाकुओं से मारा भाई। अब उसको बोले उन्हें ठीक है जो करते कर लो बोले, तो अपना मादानापेट पीएस में कंप्लेंट देने के वास्ते गए, हमारे बहन भी हमारे भाई और हमारे भांजे जो है उन्हें कंप्लेंट देने के वास्ते गए। तो उन्हें क्या करा, पीएस के बाहर ठहर के हमारे भाई बहन और हमारे भांजे बाहर पीएस के बाहर निकले तो वहाँ से अटैक कर दिया, पीएस के बाहर अटैक कर दिया। उन्हें रैन बाजार से रॉडी शूटर है, गंजटी है, उन्हें चोर है, 2 साल पीटीआर काटेवा है। मेरे भाई की तबीयत बहुत सीरियस है, अवेसी हॉस्पिटल में है, उस्मानिया लेके गया था मैं, अवेसी हॉस्पिटल में है, आखिरी सीरियस कंडीशन है मेरे भाई का। कितने वार हुए उनके ऊपर? उनके ऊपर 6 से 7 वार हुए भाई, 6 से 7 वार हुए। तकरीबन नहीं बोले तो अभी एक एक वार पे 40-40 टाके लगे हुए भाई, 40 टाके लगे हुए एक एक वार पे। उनके साथ कोई दोस्ती पुरानी है या कोई दुश्मनी है? नहीं, कुछ भी दुश्मनी नहीं है, क्या भी नहीं है भाई। मेरे भांजे का दोस्त था उन्हें, अब वो दोस्ती ख़त्म हो गई लोगों की, तो हमारे भाई समझा दिए तो दोस्ताना ख़त्म कर दिए उसका। उन्हें ज़बरदस्ती खामा खा के बच्चे का घर में हमारे बहन के घर में घुस के क्या करा, फ़ोन ले लेके गया, तो फ़ोन कहीं को लेके गया, कैसा आता हमारे घर पर बोल के बात पूछने के वास्ते गए, उसके अंदर फ़ोन लाने गए तो कंप्लेंट करते कर लो, जो करते कर लो बोले तो ठीक है बोल के कंप्लेंट करने के वास्ते गए। तो पीएस में से निकल के मारा, चाकू से मारा मेरे भाई को, और कौन कौन थे नहीं मालूम मेरे को तो। और रैन बाजार चमन के अंदर पूरा गंजटियों का अड्डा बना दिए भाई, रैन बाजार चमन के पास पूरे गांजा वांजा पी लेते बैठ रहे, चोरा आके बैठ रहे पूरे रैन बाजार चमन के पास। मारने की वजह सिर्फ सवाल पूछने पर अटैक करे? फोन घर में से चोरी करे भाई, फोन चोरी करके चले गए नो, हमारा भांजा पहचानता उनको, चोर है यहाँ पर रहता है, उनके दोस्ताना था इन लोगों का, तो उन्होंने गए जाके पूछे मेरा फोन दे दो बोले तो नहीं देता हूँ, जो करता कर लो बोल के बोल रहे ना। कंप्लेंट करे आप? जी हो करे भाई। करे मादानापेट पीएस में करे भाई। अब क्या है बोले तो मादानापेट पीएस से हमको रिस्पांस तो अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आए थे ईसाई साहब थे हमारे साथ में, उस्मानिया में थे, उस्मानिया से फिर चले गए तो हम ओवैसी को ले लेके आए हुए, सीरियस कंडीशन है भाई की। अब पुलिस वालों से गुजारिश है, कमिश्नर साहब से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, आप लोग सख्त से सख्त एक्शन लीजिए भाई, क्योंकि मेरे भाई को 3 बच्चियाँ हैं छोटे, अब उसकी जिम्मेदारी मेरे भाई के ऊपर ही है। अब बीवी है, मेरे वालदा है, अब क्या है मेरे वालदा को हार्ट का प्रॉब्लम है, अब उनकी तरफ से मेरे वालदा थोड़ा टेंशन ले ले रहे, थोड़ा पुलिस वालों से गुजारिश है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA साहब याकूतपुरा MLA साहब अहमद पाशा कादरी साहब से गुजारिश है, सख्त से सख्त थोड़ा कोशिश करके इसको PTR डाल दो, यानी तो इसको हमेशा के लिए जेल में डाल दो, और ऐसे जितने भी क्रिमिनल है ना उन लोग को छूट मत दो भाई, रैन बाजार चमन को पूरा गंजटियों का अड्डा बना दिए भाई। भाई और एक बात ये बोलना था भाई, इन्हें पूरे रैन बाजार के चमन के छोटे बच्चे जो भी माइनर बच्चे हैं ना उन लोगों को पूरों को डरा धमका के रखे हुआ है, और नशा करा रहा बच्चों को, और इन्हें पूरी गैंग मेंटेन कर रहा, पूरे बच्चों को डरा के करके गैंग मेंटेन कर रहा, अगर उसकी बात नहीं सुने तो बच्चों को लिख जा रहा, मार रहा, कर रहा, जुल्म कर दे रहा बच्चों के ऊपर, अगर नहीं सुने कुछ भी बात तो बच्चों को मार रहा कर रहा बोल के सुनने में आया। उन्हें रॉडी शूटर है रैन बाजार का, अब ये इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करिए इसके ऊपर, और एक्शन लीजिए, पुलिस वालों से गुजारिश है।